Hello friends, welcome to Novation. I'm Shantanu and I welcome you all to the fifth day of our vocabulary session jisme hum log roz 5 new words learn karte hain. So friends, as I always tell you, we are referring this book 6 weeks to Word of Power by Wilfred Funk, and along with it I'm adding some of the words by my side also. So do watch it till the end, and jo main last mein aapko assignment question deta hun, please usko bhi attempt kijiye. So chaliye aaj ka pehla word start karte hain. So today's first word is ever, A-V-E-R. Such a small and cute word. चलिए इसका अपन पहले एक सेंटेंस में यूज़ देखेंगे, फिर हम उसका मीनिंग देखेंगे. तो हमको दोनों चीज़ें आराम से लिंक करते बनेगी. So it's used in a sentence. The suspect averred that he was innocent of the allegations. So friends, suspect averred that he was innocent. उसने कुछ नहीं किया है. सारे जो allegations उस पर लगे हैं, charges, they are false. He was innocent. So a word seems like a positive word. चलिए हम meaning देख के इसका एक बार sentence का meaning और अच्छे समझ लेंगे. So the meaning of a word is to declare or state or assert formally. किस चीज़ को declare करना या किस चीज़ को बताना formally, उसे कहते हैं ever करना. तो suspect ने भी क्या किया, he also declared, right? He declared or stated or formally asserted. He averred that he was innocent of the allegations. So friends, meaning of averred is to state or to declare in a formal manner. So I hope aap logon ne word note kar liya hoga and yaad bhi ho gaya hoga aapko. So let's move on to the second word. The second word is inure, I-N-U-R-E. So let's see its use in a sentence. Its use in a sentence is, children in Syria have been inured to violence. जो सीरिया में बहुत ज़्यादा आतंकवादी हमले या जो भी वहाँ पर टेररिस्ट आउटफिट्स अटैक कर रही हैं, उसके कारण वहाँ के चिल्ड्रन जो हैं, चिल्ड्रन सीरिया हैव बीन इन्योर्ड टू वायलेंस. वायलेंस को वो इन्योर कर चुके हैं. सो इन्योर का मीनिंग कुछ हमको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, एक बार मीनिंग देख के इसको कन्फर्म किया जाए. इन्योर्ड मीन्स टू गेट अकस्टम टू समथिंग, स्पेशली समथिंग विच इज़ अनप्लेजेंट, और टू बिकम हैबिचुएटेड. हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने इतनी कम उम्र में ही वायलेंस बहुत ज़्यादा देख चुके हैं वो. सो दे हैव बिकम इन्योर्ड टू इट, दे हैव बिकम हार्डन टू इट, दे हैव बिकम अकस्टम टू वायलेंस. वो इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा हर चीज़ से अकस्टम्ड हो चुके हैं. दे हैव बिकम इन्योर्ड टू वायलेंस. सो फ्रेंड्स, आई होप यू कैन लिंक द सेंटेंस एंड द मीनिंग. इन्योर्ड मीन्स टू अकस्टम टू गेट समथिंग, अकस्टम टू समथिंग एंड विच इज़ स्पेशली अनप्लेजेंट. वायलेंस इज अनप्लेजेंट फ्रेंड्स. सो हम मेनली इस वर्ड को नेगेटिव कनोटेशन में यूज़ करते हैं. आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ड, एंड द थर्ड वर्ड इज इन व्हीकल, I-N-V-E-I-G-L-E, इन व्हीकल. लेट्स सी इट्स मीनिंग, इट्स वर्ड, दिस वर्ड यूजेज इन अ सेंटेंस. यूज इन अ सेंटेंस, शारदा चिट फंड इन व्हीकल थाउजेंड ऑफ पीपल इन टू फ्रॉडुलेंट मनी मेकिंग स्कीम्स. सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये केस उछला था शारदा चिटफंड. इसमें कई लोगों को धोखा दिया गया था मनी मेकिंग स्कीम्स में कि आप लोग इस पर इन्वेस्ट कीजिए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, जबकि उन्हें कुछ नहीं मिला, वो सब लुट गए. सो देवर इनवेगल्ड. सो इनवेगल्ड सीम्स लाइक समथिंग नेगेटिव वर्ड, उनके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है. इनवेगल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन टू फ्रॉडुलेंट मनी मेकिंग स्कीम्स. सो लेट सी द मीनिंग ऑफ इनवेगल्ड, टू परस्यूड समवन टू डू समथिंग बाय मीन्स ऑफ डिसेप्शन और फ्लैटरी. किसी को धोखा देना, किसी को धोखा दे के कुछ काम करवा लेना. सो इन लोगों ने भी क्या किया फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे वादे किए पहले, फ्लैटरी, उनको फ्लैटर किया, उनको बताया कि हमारी स्कीम बहुत अच्छी है, उनको बुद्धू बनाया, उनको डिसेप्ट किया, एंड फिर उनसे उनके पैसे ले लिए गए, उनको फ्रॉड कर दिया गया. सो टू परसूड समवन टू डू समथिंग बाय मीन्स ऑफ डिसेप्शन इज कॉल्ड इनवेगल. सो इनवेगल इज टू परसूड समवन बाय डिसेप्शन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स. तो मैं आगे बढ़ता हूँ. वर्ड नंबर फोर इज बिलाई, B-E-L-I-E, अगेन अ स्मॉल वर्ड. इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं. हर स्माइल बिलाइड द टेरर शी वॉज फीलिंग. सो उसके चेहरे पर भले स्माइल थी, बट शी बिलाइड द टेरर, और अंदर टेरर था. सो बिलाइड का मीनिंग ऐसी कुछ लिंक कर सकते हैं हम फ्रेंड्स. चलिए मीनिंग देखते हैं. टू कॉन्ट्रडिक्ट और टू रिप्रेजेंट फॉल्सली. जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर की फीलिंग थी डर की और बाहर वो स्माइल कर रही थी. सो हर स्माइल वॉज बिलाइंग हर टेरर.
Her smile was contradicting the terror that she was feeling. It was representing falsely. False representation थी उसकी smile. असलियत में तो वो डरी हुई थी. So belied means to contradict or to represent falsely. I hope अब आपको clear हो चुका होगा. इसको भी आपने note कर लिया होगा. तो हम आगे बढ़ते हैं. So the last word for today is adjure. A-D-J-U-R-E. ध्यान से समझिएगा इसका meaning friends. क्योंकि assignment question में भी मैं कुछ ऐसे ही word देने वाला हूँ. So it's used in a sentence. I adjure you to tell me the truth. I adjure you. मैं तुमसे adjure करता हूँ कि मुझे सच बता दो. Tell me the truth. So adjure का meaning हम कुछ neutral words समझ में आ रहा है friends. चलिए meaning देख के एक बार clear हो जाएगा. To urge or request. बिल्कुल सही friends. Adjure करना यानी urge करना. मैं तुमसे urge कर रहा हूँ. I am requesting you कि मुझे सच बता दो. To urge or to request someone earnestly. बहुत earnestly ना sincere manner में तुमसे मैं request कर रहा हूँ. To do something. So adjure means to urge and or to request someone earnestly. याद रखिएगा friends. In a sincere manner में मैं आपसे request कर रहा हूँ. So friends, I hope adjure का meaning clear हो चुका है. So we have come to the assignment question. So friends, you have to find the meaning of abjure. पहले हमने word क्या देखा है friends? Adjure. A-D-J-U-R-E. Now you have to find the meaning of abjure. A-B-J-U-R-E. So ध्यान से find कीजिएगा and please comment box में post your answers और जो answer करेगा वो दूसरों को भी help करेगा. I'll pin the answer जो भी answer करेगा. So friends, we have come to an end to this day 5th and I hope आप लोगों ने कई सारे words इकट्ठे कर चुके हैं जो कि आप लोगों ने पहले नहीं सुने होंगे. I hope so. So please go and reread those all the 30 around 30 words that we have covered up till now. And कुछ आपको doubt लगता है तो please ask me in the comment box. And if you have liked the video, please like it, share it with your friends and subscribe to Novation. So thank you so much. All the best. Bye bye.